हेलो, अरे ये तनु, धनु तुम्हारे कमरे में क्यों सो रही है बेटा? हम ही उठा देते हैं। उठा सकते वो भी तनु के मायके की रीत है। शादी के 18वें दिन के बाद जो देवरानी होती है ना, वो जेठानी के रूम में सोती है। अब अगर आप उन्हें उठा देंगी तो रीत टूट जाएगी ना। ये कैसी रीत है? बनाई है बनाने वाले ने। क्या कर रही हो तुम? हमारे साइड हो के उनकी? भाभी आप नाटक कर रही थी? हाँ। पाओ मॉम, पाओ। क्या रीत बनाई है? आई मीन आई जस्ट लव दिस रीत। भाभी ने मुझे इस रीत के बारे में बताया था पर मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अब मनु और धनु तुम दोनों हमारे साथ चलो, ठीक है? चलो 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 चल। अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो? मॉम वो एक्चुअली रीत ये भी है कि जो देवरानी होती है वो जेठानी के रूम में अकेली नहीं सोती, अब उसके साथ ननद भी सोती है। That's why I have to sleep here. अच्छा, ननद को भी सोना पड़ता है? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम धनु को अपने साथ ले चलते। चलो धनु चलो। भाभी आप प्रीत के बारे में कैसे भूल सकती हैं? जिसका रूम होता है उसे भी तो साथ में सोना होता है ना। हाँ, हाँ, हमें भी रुकना पड़ेगा। अरे चलो ठीक है, फिर हम ही चले जाते हैं। बाय बेटा। बाय, मिस यू। ध्यान रखना तीनों अपना। हाँ बाय। थैंक गॉड बच गए। अरे बच नहीं गए, फंस गए। हमें वहाँ जाना था ना फंक्शन में सौरजी को बेहोश करने। सासू मॉम भी तो यही कह रही थी। इस यूनिफॉर्म को छुपाने के चक्कर में हम यहाँ फंस गए, अब क्या करें? लेकिन अब गए तो उन्हें ये लगेगा कि हमने रीतों के बारे में झूठ बोला था। वही तो, क्या करें अब, दिमाग ही नहीं चल रहा। क्या कर रही है तनु? भाभी फंसे नहीं है, बच गए। कैसे? अरे ये कार्ड देखो, कुछ समझ में आया? क्या समझ रहा है इसमें? मैं समझ गई हूँ। क्या समझी? यही कि इस कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। मनु मैं कार्ड के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो इनविटेशन के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ इंटरनेशनल डांसर्स आने वाले हैं परफॉर्म करने। और डांसर्स तो किसी भी कॉस्ट्यूम और मेकअप में हो सकते हैं ना। क्यों भाभी, समझे कुछ? हाँ तनु, एक्सीलेंट। जय जय राम कृष्ण हरि। There is something to worry. अरे मैंने जो पुलिस वाले को सब कुछ जो बता दिया, अगर किसी और ने जाकर गमोशा जी को उल्टा सीधा बता दिया तो गमोशा जी मेरा तंबूरा बजा देंगे, तो फिर मैं क्या करूं? हाँ, मुझे खुद गमोशा जी के पास जाकर सब कुछ बताना चाहिए। हेलो हेलो पिलपली साहब, मैं तोलारा बोल रहा हूँ। देखिए मुझे खामोशिया जी से प्लीज मिलवा दीजिए, मुझे उनको बहुत जरूरी खबर देनी है, प्लीज। गौर से देखिए दोस्तों, इस फंक्शन में शहर का हर पुलिस वाला मौजूद है, लेकिन ये बात चोरों को मत पता लगने दीजिएगा शहर की। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओ दादी, मेरा पुत्र।
अरे बस अभी आए पुत्र। और तू तो माइक पे क्या बढ़िया चिल्ला लेता, एक बार और जोर से चिल्ला के दिखाएगा दादी को। ओके दादी, गौर से देख। देखिए देखिए मेरी घड़ी, मेरी घड़ी चोरी हो गई, पुलिस के फंक्शन मेरी घड़ी चोरी हो गई। क्या हुआ? ये टैलेंट है ना मेरा पुत्र। दादी पुलिस का फंक्शन है यार, अपने टैलेंट पे कंट्रोल रखो थोड़ा, जब बाकी लोग का है। ओहो बेटा अब हम क्या बताएं? एक तेरी बीवी है ना, इसकी रीते अनलिमिटेड है। अब घर पर है, अपनी 68 रीत पूरी कर रही है। और डैड? वो तेरा डैड भी ना तेरे जैसा एंटीक पीस हो गया है। अचानक से उसे याद आया कि उसको मिश्रा जी के साथ मिलके मेन्यू डिस्कस करना है, चला गया वहीं पे। अच्छा चले गए, तो अब आप लोग भी चले जाइए अंदर। बेटा वैसे ये फंक्शन ऐसे ही बोरिंग शोरिंग होने वाला है या फिर कोई सेलिब्रेशन और मस्ती होगी बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में? होगा ना माँ, होगा, सब कुछ होगा, बस अच्छी देर में शुरू होगा। ऐसे 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 चलो चलो आप लोग अंदर चलो। अरे निमुनो मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? मैं ये पट्टी उतारता हूँ। पट्टी खोलेगा तो गोली खाएगा। गमोशा भाई को देखना लाओ नहीं है, अब चुपचाप सीधा खड़ा रहे, वो आ रही है। भैया जय हो गमोशा, गब्बर तेरा मामा, मोगेम्बो तेरा चाचा, गमोशा। आदमी और क्या चाहता है? जी मैं तोलाराम सुनार हूँ, मैं पूज्य गमोशा जी से मिलना चाहता हूँ। जिसके आने से कांपता है धरती का कोशा कोशा, तेरे सामने बैठा है गमोशा। वैसे मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपकी मधुर वाली सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। क्यों आया है ये? सर जी मैं आपको ये बताने आया था। एक मिनट जजमान, इन जजमान की शक्ल देखकर ये प्रतीत होता है कि खबर अच्छी नहीं। अब बुरी खबर सुनने का सही मुहूर्त अभी है नहीं, तो आप थोड़ा रुक जाए। जो कब अब बुरी खबर सुनाने का सही समय। लुट गए सर जी। क्या बताऊं, हमेशा की तरह हमारा काम काज ठीक ठाक चल रहा था, अचानक तीन लड़कियां आई, उन्होंने आकर हमारे ग्राउंड पर अटैक कर दिया और मुझे किडनैप करके अपने अंडे भर ले गई। वो बोर्ड पर जो हमारा सोना आने वाला है उसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन सर जी मैं उन्हें चकमा देकर भाग आया। हाँ सर जी एक बात बताऊं, वो तीनों लड़कियां बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि मेरी तरह आपका भी वो तमूरा ना बजा रहे हैं, आप जरा बच के रहिए। गमोशा जिसे दुनिया के बड़े बड़े 30 मार्खा नहीं पकड़ पाए, उसे तीन लड़कियां पकड़ेंगी।
What a joke! अरे इससे पहले कि हम इसे शेरा को गिफ्ट कर दे, ले जाओ इसे। शेरा को गिफ्ट कर दे? वैसे ये शेरा है कौन? कामोशा भाई का शेर। अगले आधे घंटे तक कोई अंदर नहीं आएगा। बॉस, वो मंत्री साहब आपसे मिलने आने वाले हैं। वो कुछ सलाह चाहते हैं। मैंने कहा ना, अगले आधे घंटे तक कोई अंदर नहीं आएगा। अरे भाई, आधा घंटा क्या करने वाले हैं? कामोशा भाई का फेवरेट सीरियल आने वाला है, तुलसी और मिहिर का 28वां पुनर्जन्म। भूकंप भी आ जाए तो अभी कामोशा भाई सीरियल को नहीं छोड़ते। चल अब तू। एजेंट को तुम मिना, नकाब ऊपर। सॉरी। गुड। कम इन एजेंट। यस एजेंट, मानसरोवर? मानसरोवर नहीं, हिमालय। एजेंट हिमालय बोल रहा हूँ। अब सुनो, मैं सरदार बनकर पोर्ट पहुंच गया और अपनी घड़ी से घड़ी घड़ी तुम्हें खबर देता रहूंगा। अब तुम तीनों शौर्य को बेहोश करो, उसे महफूज जगह पर छुपाओ और जल्द से जल्द पोर्ट आ जाओ। एजेंट हिमालय, आप शौर्य भैया की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वैसे भी एजेंट लाल किला ने उन्हें सेव कर दिया है। सेव कर दिया मतलब? हाँ, उन्होंने सुहाग सुरक्षा मंत्र का जाप जो कर लिया है। लेकिन एजेंट हिमालय, हम जहाँ हैं इस वक्त वहाँ बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, और इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स के बीच एक पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान काम करने के लिए तुम तीनों एजेंट्स नहीं बने हो, एजेंट हवा महल। काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें पूरा करके दिखाना है। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट। आउट एंड ओवर। एजेंट हवा महल, हमने सोच लिया है, ये काम तुम करोगे। नहीं एजेंट लाल किला, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते। हम मानते हैं हम एक एजेंट हैं, लेकिन हम एक पत्नी भी तो हैं, और एक पत्नी होने के नाते हम शौर्य जी पे कैसे वार कर सकते हैं? ये पाप होगा। नहीं नहीं, ये पाप नहीं होगा, ये महापाप होगा। भाभी, आज आप जिस दोहराए पर खड़ी हैं, उसी दोहराए पर श्री अर्जुन खड़े थे। क्या आपको याद है कि श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? पार्थ, ये एक कर्म युद्ध है और तुम एक कर्म योगी हो, और एक कर्म योगी युद्ध सिर्फ जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ता, अपनों से या परायों से नहीं लड़ता, वो लड़ता है तो केवल अपना कर्म सफल करने के लिए। प्रभु, हम अपने ही हाथों से अपनों पर कैसे वार करें? पार्थ, तुम एक योद्धा, और एक योद्धा की सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होती है, युद्ध करना। तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए नहीं, अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए लड़ना होगा। कहो पार्थ, कि आज तुम डरोगे नहीं, युद्ध करोगे, लड़ोगे। बोलो पार्थ, बोलो। यस एजेंट हवा महल, हम एक योद्धा है, कर्म योद्धा, और एक एजेंट है। झुकना, डरना हमें बिल्कुल शोभा नहीं देता। हम करेंगे शौर्य जी को बेहोश, हम। वाव, वाव, क्या डायलॉग बाजी चल रही थी।
वैसे अगर आपकी ज्ञान की खिड़कियां खुल गई हो तो मिशन पूरा करें। यस एजेंट को तुम मिला। शौर्य भैया कहाँ है? हाँ शौर्य भैया उड़ जाओ आप क्यों उड़ रही है? वो वैसे भी कौन सा हमें इस रूप में पहचानेंगे? जाओ पार्थ जाओ। जो हमने देखा वो तुमने भी देखा क्या? बातें छोड़ो अभी एजेंट लाल किला गो हिट योर टारगेट राइट नाउ। यस यू कैन डू इट गो। यस आई नीड टू गो आई नीड टू अटैक आई कैन डू दिस गो। हम कर सकते हैं। जाओ कोई रोक भी नहीं रहा है। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें जाओ। जा रहे गो डू इट। ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। एक मिनट आपकी आवाज कुछ सुनी सुनी सी लग रही है और आपकी आपकी आंखें आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे नहीं नहीं एक्सक्यूज मी ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैं किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा था। एक मिनट आपको कैसे पता चला कि मैं मैरिड हूं? अल हबीबी अल गुलाटी आप आपका हाथ में देखो अंगूठी अंगूठी अंगूठी। ओ ठीक है अब मवाले अब हड़ताल मवाले। एक मिनट आप लोगों की लैंग्वेज कुछ अजीब सी है। आप लोग अरबी हैं फिर ये हिंदी अरबी मिक्स ये अल हबीबी अल गुलाटी। ओ अल हबीबी हम हैं तो अरबी लेकिन हमारे अबू जान सूरत में उगाते थे अरबी। हम आते थे जाते थे और हिंदी सीख जाते थे। सॉरी एजेंट लाल किला अगर जेठ जी इस कॉरिडोर से पास कर गए ना तो सबके सामने उनको बेहोश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ही कुछ करना पड़ेगा। कम ऑन एजेंट लाल किला यू कैन डू इट। यस आई विल गो। नहीं ये ज्यादा हो जाएगा यही ठीक है। सॉरी जी आई एम रियली सॉरी। यू कैन डू इट जल्दी जाती हो हबीबी। Sorry, wait a moment. Yes, sir. Yes, sir. चलिए तबला माशाल्लाह। ओह गॉड शौर्य जेठ जी तो कमिश्नर से बात करने चले गए। हे
भगवान, अब क्या करें? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.